स्किन की हिफाजत जो है वो बहुत जरूरी है स्किन की हिफाजत के लिए और तरीक़ाकार भी बहुत जरूरी हैं एक होती है इंटरनल एजिंग जो अंदर से इंसान ने बूढ़ा होना ही है वक्त के साथ वो तो मैं पैदा ही होता है जी और दूसरी होती है एक्सटर्नल एजिंग यानी बाहर से अब बाहर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको जल्दी बूढ़ा कर रहे हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सन Hmm. जितना अपने आप अपनी स्किन को चेहरे की स्किन को सन से बचाएंगे उतनी आप देर से बूढ़े होंगे तो उसमें एक अच्छा सा सन ब्लॉक जरूर रखें जो कि आप डेली अपना डेली रूटीन बना लें कि सुबह उठते ही चेहरा धोते ही आपने सन ब्लॉक ज़रूर अप्लाई कर लेना है इवन हमारी जो आ, लाइट्स हैं एल लाइट्स आज हैं घरों के अंदर बैंक्स के अंदर या ऑफिस के अंदर ये भी आ, जो है मिलाजमा और दाग दबे कर रही है और एजिंग कर रही है तो इसलिए ये मत समझें कि अगर हम बाहर नहीं निकल रहे तो हमने सन ब्लॉक नहीं लगाना आपने घर के अंदर ऑफिस के अंदर

नहीं नहीं गाने आप कहाँ सुनते हैं आप तो हम माशा बचपन में कभी सुने होंगे नहीं तो अब माशाल्लाह क्या हो गया अब क्या गाने बनने बंद हो गए नहीं गाने बनने बंद नहीं हो गए देखिए हर उम्र की एक रिक्वायरमेंट होती है पुराने गाने अभी भी हमें पसंद है लेकिन अब वक्त ही नहीं सुनने का अब हमारी लाइफ इतनी प्रोफेशन हो गई है एक्टिव शेड्यूल हो गया कि अब वो कहाँ ड्रामे कहाँ गाने वो जिंदगी का ड्रामा चल रहा है डेफिनेटली अब बात कि लोगों के ड्रामों को हम खत्म कर रहे हैं अच्छा मुझे ये बताइए स्किन के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे हिकमत में ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्किन को शादाब बना सकती है चेहरे को पीछे लेके जा सकती है जी जी सैर भाई देखें सबसे पहले इंसान का जो लाइफ है हमारा बहसीत मजमू जो लाइफ है वो बड़ा सेडेंट्री है यहाँ लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आता है ना तो वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा आराम दे और बहुत सुकून में ले जाते हैं और उस आराम दे और सुकून के चक्रों में वो अपना जो एक लाइफ में जो एक्सरसाइज के मामल थे रात को सोने के जो मामला थे इवन के जो आपके डाइट के मामला थे यानी कि जो बिज़निस मैन है वो यानी हमारे पास आते हैं वो अपना प्रॉपर खाना भी टाइम पे नहीं खाते बाद बिज़नस मैन तो हम लोगों को ये कहते हैं कि आप सबसे पहले अपना लाइफ बेहतर करें अच्छी सेहत के लिए चूँकि चेहरा इंसान का इंडेक्स होता है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हर्बल में बड़ी आला चीज़ें इसमें माशा हर्बल में स्किन की बेहतरी के लिए जो पुरानी एक हमारा एक नुस्खा चला आ रहा है और आप यकीन करें वो फॉर लाइफ है इसके अंदर ग्लासरीन यानी ग्लासरीन जो है वो फोर टी स्पून हाँ। टू टी स्पून अरके गुलाब ठीक है और वाइटामिन ई के उसमें एक कैप्सूल डाल लें हाँ। और तीन ड्रॉप्स लेमन के ओनली तीन ड्रॉप्स अभी उसका एक कंपाउंड बन जाएगा जाए। लिक्विड बन जाएगा हाँ। एक जिस तरह हम आजकल वो वो आप रात को सोते हुए जो है ना अपने चेहरे पर लगा लें आप यकीन कीजिए कि स्किन को भी साफ रखता है साफ रखता है पेगमेंटेशन पिगमेंटेशन को भी ठीक करता है कि आपकी के हर के लिए को पूरा करें थर्डली हमारा ये लोगों को होता है कि आप अपनी डाइट के अंदर बिल्कुल खुश अच्छा, एक आदमी जो इसके बिल्कुल बरक्स काम करता है जी जी मैं नाम नहीं लूंगा उसका लेकिन एक आदमी इसको बिल्कुल बरक्स काम करता है नींद दो घंटे मैक्सिमम समटाइम्स नॉट इवन टू आवर्स और स्किन पे बस इतना मुंह हो लिया और उसके बाद कोई भी जो आप पूरे बदन पे लोशन लगाते हैं वही लगा लिया आ, स्किन की कोई ऐसी केयर नहीं की और खाना पीना बस ठीक है जब मिल गया तो खा लिया कभी कभी पाँच बजे भी लंच हो जाता है और कभी ग्यारह बजे भी डिनर हो जाता है तो ऐसे लोग के लिए क्या कहेंगे आप देखिए ऐसे लोगों को अपना पानी का इनटेक बढ़ाना है और वो भी नहीं है वो भी नहीं है नहीं है तो देखें फिर ए, मैं आपको बहुत सारे मोस्टली पाकिस्तानियों की बात बता रहा हूँ हमारे खींच रहे हैं आप हाँ। बहसियत मजबूरी ऐसा ही है हाँ, हाँ। और मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे बहुत से लोग ये हाँ। नहीं कि जो गरीब उर्वा लोग हैं जो उम्र लोग भी हैं जो साहब भी हैं उनका भी लाइफ स्टाइल ऐसा बन चुका है कि उनके पास खाने का देखिए गरीब का पेट तो कभी बाहर आता ही नहीं क्योंकि रोटी एक वक्त की मिलती है और जैसी मिलती है वो भी है। तो गरीब का पेट कभी बाहर नहीं आता उसको एक वक्त खाना होता है वो देखिए इंटरमीडियट फास्टिंग तो गरीब ही करता है ना गरीब करता है अमीर आदमी तो इंटरमीडियट नहीं कर रहा वो तो सुबह उठ के पता नहीं क्या क्या चीजें खाता है पॉजेस खाता है फिर कॉफियां लेता है फिर चार केले खा लेता है फिर दो बनाना के चिप्स लेता है फिर एक खाने को बैठ के देखता रहता है एंड देन फिर यू नो अमीर आदमी तो ये सब करता है पर गरीब आदमी तो जल्द के लिए आपने जो बताया वो बड़ा जरूरी है

वो नायाब नहीं है ऐसी कि जो ना मिले वो मिल जाता है माशा okay. इसी तरह सर जी जैसे खाने के लिए हमारे हर्बल के ना अंदर चार ऐसी इन्ग्रीडियंट्स हैं जिसका आपने नाम सुना होगा एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज बताइए हरीड़ उसका छिलका भेड़े भेड़ा उसका छिलका आमला और चौथी चीज गुले सुरख ये गुलाब हाँ। इन चारों का कंपाउंड बना के पाउडर आप बेड टाइम पे वन टीस्पून लें कॉन्स्टिपेशन में भी बेहतर लीवर के अंदर अंदर जो आपके प्रोसीजर चलता है डिटॉक्सिफिकेशन का भी अमल तेज होता ये है। आप मुझे बना के देंगे। जी ये आप होगा बना और बना कामयाब बना चीज है, है पता नहीं मैंने तो ट्राई करना है ये माशाल्लाह आजमूदा और अजल से कब से चलता आ रहा है हमारे जो कोहना तिब्बा थे वो अपने पेशेंट्स में

बुखार <laughs> चला जाता है आई एम जेन्यून अपने अंदर ना आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होती है yeah. मैं तो हर काम उसी के साथ करता हूँ डॉक्टर्स अक्सर ना मुझसे मिलके बहुत परेशान होते हैं so, तो वो कहते हैं कि तुम ये बताओ कि तुम पे हम रिसर्च करें या नहीं करें मैंने कहा तुम लोग रिसर्च कर रहे हो दुनिया की जितनी एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन हैं मैंने सब इस्तेमाल की हैं I'm not kidding. You have no idea why. I'm, but I'm just telling you, दुनिया की जितनी अभी वो FDA से अप्रूव भी नहीं हुई हैं, वो तक भी मैंने इस्तेमाल की हैं। You're strong enough, nicely. No, I just take the risk. I'm not strong enough. I just, I just think, you know,

चाइना में इसमें काम हो रहा है मैं बता रहा हूँ ये जो हमारे सर्जन हैं जो ये सारी करते हैं ये पांच साल के बंदर पांच साल के अंदर अंदर नाइव आर गोइंग टू बी अपसलीट आपका जो लेजर सर्जरीज होंगी वो सारी उसी और डॉक्टर साहब को मैं क्या बता रहा हूँ इन्हें तो इन्हें तो खुद पता है ये तो हाएस्ट टेक्नोलॉजी को डील करती हैं डॉक्टर साहब मैं राइट और रहूं?